आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको कोई हर्ट करे तो आपको उस हर्ट का जवाब दूसरे पर्सन को हर्ट कर क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों आपको उसके गलत व्यवहार के बदले उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको समझना होगा कि अगर कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको कुछ अपशब्द बोल रहा है, आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चीख कर चिल्ला कर अपशब्द बोलकर या फिर किसी तरीके से कोई झूठ सच बोलकर, सो वो इंसान इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, क्योंकि उसके शायद जीवन के अनुभवों ने, उसके जीवन की सीख ने, उसके आसपास के वातावरण ने उसे ऐसा बना दिया है। लेकिन आपका जीवन उसके जीवन से अलग है, आपकी सीख और आपके अनुभव उसके जीवन से अलग हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपको उसके अनुसार ही व्यवहार करना। आप अपनी यूनिकनेस में भी तो, आप अपने अलग होने में भी तो खुश रहकर शांति से अपने स्वभाव के अनुरूप ही व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, आपने जरूर वो महात्मा जी की कहानी सुनी होगी जो नदी किनारे स्नान करने जाते थे, और जब वो नदी में उतरते थे और अपने हाथ किनारे पर रखते थे तो वहीं पर एक बिच्छू का बिल था। वो आता था और उनके हाथ पर डंक मारकर चला जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस बिच्छू को मारने का प्रयास नहीं किया। और इसी तरह से वो हर रोज वहां पर स्नान करते और उनके हाथ पर कई सारे निशान थे इस तरीके से डंक मारने के। एक बार उन महात्मा जी के साथ उनके कुछ शिष्य भी आए वहां पर, और उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। तो उन शिष्यों ने महात्मा जी से कहा कि आपके लिए कितना आसान है इस बिच्छू को मार देना, आप इसको मार क्यों नहीं देते हैं? तब महात्मा जी ने बहुत ही शांत स्वभाव से कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है क्षमा करना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये अपनी धुन में रमन है और मैं अपनी धुन में मगन हूं। तो बस इसी तरीके से अब आप ये कहेंगे कि आज के जीवन में तो ऐसा चलता नहीं है कि लोग तो बिच्छू प्रवृत्ति के हैं इतने सारे आसपास, और वो तो हम इस तरीके से डंक मार मार के परेशान करेंगे, तो हम कब तक अपने आप को बचाएंगे, कब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे, कब तक हम सहेंगे? आपको समझना है कि आप एक रोड पर जा रहे हैं और आप अपने व्हीकल को बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, और सामने से एक ट्रक आ रहा है जो ठीक से नहीं चला रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं उस वक्त? अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, मैं क्यों बचूँ, आओ और मुझे मार दो, ऐसा तो आप कभी भी नहीं करते ना। आप क्या है, अपने व्हीकल को बचाते हैं, अपनी जान को बचाते हैं, और आप हट जाते हैं वहां से और सेव करके फिर आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाते हैं। पता चला फिर कोई इस तरह से कोई बस आ रही है या कोई कार आ रही है सामने से जो फिर से गलत तरीके से चला रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हर बार मैं ही क्यों बचाऊं? या आप फिर से बचेंगे? आप जबरदस्ती टकराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपके जीवन का नुकसान है, आपको बहुत गहरी चोटें लगने के साथ साथ आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार भी होगा तो भी आप क्या करेंगे? आप अपने आप को हर बार बचाएंगे या फिर आप कहीं रोक कर कुछ टाइम के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने आप को शांत करेंगे और फिर सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हर बार मैं क्यों बचाऊं, इस बार तो मेरे को बचाना ही नहीं है, और चाहे मेरी टक्कर हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जब बात मेंटल लेवल पर आती है, जब बात सिचुएशंस को हैंडल करने पर आती है, जब बात लोगों को हैंडल करने पर आती है, तब ऐसे ही जो विजडम होती है वो कहाँ गायब हो जाती है? वो विजडम उस टाइम गायब हो जाती है और अहम हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि अगर किसी ने हमें जरा सा छेड़ा तो हम फिर उसको ठीक बता देंगे। हम अपने आप को मजबूत शक्तिशाली इतना दिखाना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हम उससे ज़्यादा चिल्लाएंगे, अगर हम उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, अगर हम उससे ज़्यादा उसको कंट्रोल कर उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे तभी हमें ये दिखा पाएंगे कि हम पावरफुल हैं। ये जो सोच है ये गलत सोच है, क्योंकि अगर सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से और आप भी सेम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां पर गलती आप दोनों की हो गई है। और अब जहां पर गलती दोनों की हो गई है तो वहां पर बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जब तक कोई एक बदतमीजी कर रहा होता है और सामने वाला उसको नॉर्मल तरीके से प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पर कभी भी बात जो है ना वो बहुत बुरे दौर तक नहीं पहुंचती है, वहां पर वो हमेशा एक संभलने की स्टेज तक रहती है। लेकिन जैसे ही दोनों ही लोग
खराब व्यवहार पर आ जाते हैं तो फिर वो सिचुएशन बिल्कुल खराब होनी ही होती है। और जिस भी तीसरे पर्सन को पता चलता है तो वो आप दोनों की गलती देखता है, तो वो फिर उस चीज़ को सुलझाने की बजाय बल्कि वो एक दूसरे को गलती बताने में और इन सब चीज़ों में ही उलझ जाता है। तो मतलब कोई तीसरा इंसान भी आपकी मदद नहीं कर पाता, वो आपकी बातों के मायने लगाकर हो सकता है आपकी सिचुएशन को और बिगाड़ दे, या कोई बहुत समझदार आदमी होगा तो वो बोलेगा अच्छा जो बोल दिया सो बोल दिया, उसे छोड़ो। लेकिन जब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, आप इंसल्ट करने लगेंगे, तो आपसे बात वो छोड़ी नहीं जाएगी। क्योंकि इंसान कहने में लॉजिकल होता है लेकिन वो अंदर से इमोशनल होता है। कितने भी वेल एजुकेटेड, कितने भी लॉजिकल पर्सन से आप बात कीजिए, लेकिन अगर आप उसके इमोशंस को हर्ट करेंगे तो वो अपने लॉजिक्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, सारी एम्पैथी को छोड़कर उन हर्ट हुई हुई फीलिंग्स के पीछे लग जाएगा और इतना डिसकम्फर्ट होगा, इतना डिसरिस्पेक्टेड उसको फील होगा कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफ़ी या गलती उससे हो जाएगी कि वो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब वो ज़माने नहीं रह गए हैं जब ये टीचिंग हमें मिली थी महान पुरुषों से कि अगर कोई आपको हर्ट करे, एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे आगे कर दो, क्योंकि आज लोग आराम से हैप्पीली आपके दूसरे गाल पर भी चांटा मार देंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में लाकर एकदम से एग्रेसिव हो जाना है। आपको अपने वे में जो मेंटल हिंसा है उसको करने से बचना है, ना तो सरेंडर कर देना है कि आओ मुझे होल्ड करते रहो, और बिल्कुल वही वाली फिलॉसफी कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर दो और सामने वाले को अलाउ कर दो हर्ट करना, और आप अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट मत करो या सामने वाले की गलती ना बताओ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करने से बचो। आप अपनी यूनिक स्टाइल में उस पर्सन को इस तरह से रियलाइज़ कराइए कि आपकी अपनी ओरिजिनल नेचर भी बनी रहे और सामने वाले को भी ये रियलाइज़ हो जाए कि वो गलती पर था। अब ऐसा कैसे करें? ऐसा जो है ना, ऐसा कर सकते हैं हम असर्टिव होकर और सामने वाले को अपना मैच्योर बिहेवियर दिखाकर। सपोज कीजिए कोई इंसान है आपके ऊपर बहुत तड़क रहा है, भड़क रहा है, आपको कुछ कुछ गलत बोल रहा है, तुमने ये नहीं किया, ये कर दिया, ऐसा तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे से अपॉर्चुनिटी छीन ली, तुमने मेरी उससे बुराई कर दी, कुछ भी इशू हो सकता है ना। तो आप ये समझिए कि सामने वाला इतना बौखला इसलिए रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ आपके खिलाफ भर रहा है, या तो उसने या फिर किसी और ने भर दिया है, और उस थॉट प्रोसेस के चलने की वजह से उसके अंदर यह अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं और जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है। क्योंकि हमारा दिमाग इस नियम पर चलता है कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी पर्सन के लिए, उस परिस्थिति के लिए जैसा सोच रहे होते हैं वैसा महसूस करना शुरू कर देते हैं, और फिर जैसा आप सोच रहे होते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से आप व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इस अंडरस्टैंडिंग को अपने सामने रखेंगे और उसकी तेज आवाज को इग्नोर कर कर उसे ट्रिगर होने के बजाय, या उसके शब्दों पर ध्यान देने के बजाय, उसके अंदर जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग्स है उनको समझते हुए कि कितना छटपटा रहा है, थिल मिला रहा है, बौखला रहा है, उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। और शांत करने के लिए आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। मतलब जब आप आई अंडरस्टैंड किसी को ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप उसकी डिस्कम्फर्ट जो उसको हो रहा है, जो उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस वो फील कर रहा है, उसको समझ रहे हैं, तो बस ऐसा कहते ही वो पर्सन एम्पथाइज फील करता है, उसको लगता है कि हाँ सामने वाला समझ रहा है, तो वो शांत होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो एकदम से पूरा शांत हो जाएगा, लेकिन हाँ उसके अंदर एक शांति का एहसास आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हम शांत होकर भी इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ये सिचुएशन में हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हो सकता है आप जीत जाओ या मैं जीत जाऊं, लेकिन हमारा रिश्ता खराब हो सकता है, तो क्यों ना हम शांति से बात करें इस बारे में। और जब आप उस पर्सन को इस तरीके के सजेशन देना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि एकदम से वो आपकी बात ना माने, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके अंदर ये सजेशंस जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, और आप देखेंगे कि उसकी टोन डाउन होने लगती है, वो जो इतना येल कर रहा होता है ऊपर, लाउड हो गया होता है, उसकी वॉइस में गिरावट आ जाती है और फिर वो सुनने की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि जब इंसान बौखलाया हुआ होता है ना तो वो सुनने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन जब उसको आप ये विश्वास दिला देते हो कि आप इस बात पर बात करने के लिए तैयार हैं,
और इस बात में वो आपको हर्ट करे या यू नो लाइक आप उसे हर्ट करें, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, तो इंसान वहाँ पर रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो आपसे बात करें. जब वो आपसे बात करना शुरू करें तो भाई एक बार में एक ही मुद्दे पर आप बात करें. अगर उनको आपसे चार कंप्लेंट्स भी हैं या आपको उनसे चार कंप्लेंट्स भी हैं तो हमेशा एक बार में एक ही मुद्दे पर बात करें, क्योंकि अगर आप दो तीन मुद्दे ले आएंगे एक साथ पर तो किसी एक का भी शायद रिजल्ट ना निकले. आप मतलब ट्रैक से भटक ही जाएंगे. और कोशिश करें कि जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो कोई भी डिग्रेडिंग लैंग्वेज यानी कि किसी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल ना करें. अपने शरीर की भाषा, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए कि किस टोन में आप बात कर रहे हैं से लेकर शब्दों तक का आप ध्यान रखें. और पर्सनल कमेंट कैरेक्टर पर अटैक करने से बचें, क्योंकि अगर आप मुद्दे को छोड़कर पर्सनल कैरेक्टर्स पर अटैक करने लग जाएंगे या किसी भी तरीके की यू नो चीप लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर वो भी आपको हर्ट करेगा, आप भी उसको हर्ट करेंगे. वापस से इस तरीके से करते रहेंगे. अगर आपको लग रहा है कि मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप क्या है परमानेंट कम्युनिकेशन ब्लॉक करने के बजाय एक पॉज ले लें और ये बोलें कि ठीक है अभी मेरा भी दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है कि शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ और आप भी अभी गुस्से में हैं या आप भी अभी परेशान हैं और इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं. सो आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ. क्योंकि गोल्डन स्टेटमेंट क्या है कि लोग कभी गलत नहीं होते, लोग सिर्फ अलग होते हैं. और ये थोड़ी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप उस कॉन्वर्सेशन को वहीं पर पॉज करके थोड़े टाइम बाद रिज्यूम करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें. सो इस मुद्दे पर जब आप पॉज ले लेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी शांत और आप तो ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शांत रहना है. सो आप और भी शांति से जब सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाएंगे दोनों लोग तो फिर वहाँ पर हमें समझ में आता है कि असलियत में एक्चुअल में बात क्या थी. और बहुत सारी बातें ना इश्यूज जो है ना हमें बाद में लगते ही नहीं कि इतने कुछ इंपॉर्टेंट थे और फिर वो चीज़ें जो क्वालिटी हमें डिस्कशन करना होता है बस वो रह जाती हैं और जो फजूल के मतलब सेकेंडरी इमोशंस होते हैं कि हम वाकई किसी पहले और किसी बात पे अपसेट थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, तो वो जो इस तरीके के अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज हम जबरदस्ती लेकर आ रहे थे, कभी पास्ट को घसीट कर ला रहे थे, कभी पर्सनल उस पर लेकर जा रहे थे, वो सब चीज़ें फिल्टर होना स्टार्ट हो जाती हैं और जो मेन मुद्दा होता है बस वो डिस्कशन का रह जाता है. एंड जब आप दिमाग में ये रखते हैं कि इस सिचुएशन को विन करने से इम्पॉर्टेंट पर्सन और रिश्ता है, अगर वो वाकई आपके लिए वैल्यूएबल है तो आपको उसे वैल्यू करना ही होगा. हाँ अगर कोई बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट फिजूल सा ऐसा ही वो है और आपको लग रहा है कि रियली आपको कोई हर्ट कर रहा है तो देन आप डिफरेंटली भी उसको हैंडल कर सकते हैं. बट अगर आपका कोई अपना है और उसको आप अच्छी तरह से हैंडल करना चाहते हैं तो रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आप एक टाइम में एक ही इशू हैंडल कर रहे हैं, किसी भी तरीके की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर्सनल अटैक्स नहीं कर रहे हैं एंड ध्यान में ये रख रहे हैं कि लोग बस अलग होते हैं, गलत नहीं होते हैं. और आप बिना चीखे चिल्लाए जब अपनी बात कहेंगे और शांत मन से फिल्टर लगाकर जब आप दोबारा रिज्यूम करेंगे उस सिचुएशन पे तो आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो चुकी है, सामने वाला भी शांत हो चुका है जो अभी तक लगातार आपको हर्ट कर रहा था, आपकी समझदारी की वजह से अब वो भी शांत होकर आपसे बात करने के मोड में आ गया है और फिर आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार महसूस करेंगे खुद को भी और उस पर्सन को भी. और इन छोटी सी बातों का ध्यान रखकर आप अपने शांत स्वभाव से, अपनी समझदारी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को होने से बचा देंगे. क्योंकि कुछ सेकंड का समय लगता है आवाज तेज करने में, एकदम से डिग्रेडिंग लैंग्वेज यूज करने में, सामने वाले को ब्लेम करने में, पर्सनल अटैक्स करने पर, लेकिन वो कुछ ही चंद सेकंड की आपकी इम्पेशेंस नेचर, इम्पल्सिव होकर आपका रिएक्शन हमेशा के लिए आपके रिश्ते को खराब कर सकता है या आपको और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकता है. क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उससे ही हमारी आगे की सिचुएशंस डिसाइडेड होती हैं और कई बार बात उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी बन जाती है. तो अगर इनिशियली आपको कोई हर्ट कर भी रहा है तो भी आपको अपने ओरिजिनल स्वभाव में रहना है, क्योंकि आपको खुद से प्यार करना है. आपको अपने आप को ये याद दिलाना है कि अगर मैं किसी दूसरे के लिए भी गुस्सा हूँ, उसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ, उसको हर्ट करने की सोच रहा हूँ तो सबसे पहले वो मुझे मिलेगा. क्योंकि हम देने में पाते हैं, हमारे अंदर लिम्बिक सिस्टम इस बात में बिल्कुल भी भेद नहीं करता कि आप वो नेगेटिव इमोशंस या पॉजिटिव भी किसी दूसरे के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने लिए सोच रहे हैं. तो आप क्या है
दूसरे के लिए नेगेटिव सोचने से बचें, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हैं. आपको अगर दूसरे को कुछ देना ही है तो पॉजिटिव सोचें, उसको लगातार अपनी थॉट्स के थ्रू ये ट्रांसफर करें, अपने एक्सप्रेशन में बात लेकर आएं कि आप शांति से, समझदारी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने लायक हैं. मैं समझ रही हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या गुस्से में हैं या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो नेचर है वो शांति है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप. और मैं जानती हूँ कि आप भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं. जब इस तरीके के थॉट्स आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, तो सामने वाले को, मतलब उसको इतना अच्छा फील होगा उस नेगेटिव इमोशन के बावजूद भी, क्योंकि आप उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप इस मोमेंट में भी उसकी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको ये विश्वास दिला रहे हैं, उसकी अंदर एक पॉजिटिविटी फीड कर रहे हैं कि वो पर्सन भी ओरिजिनली तो है ही अच्छा. जब आप इस तरीके से रिश्तों को हैंडल करते हैं तो आप देखेंगे कि जो फर्दर सिचुएशंस जो वर्स्ट कर लेते हैं आप अपने एकदम से ईगो में आकर या इम्पेशेंट होकर, वो करने से आप बच जाएंगे. और जब आप ऐसा करने से बच जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके रिश्ते इतने ज़्यादा सुधर जाते हैं कि फिर छोटी छोटी बातों पर आप और दूसरा पर्सन ट्रिगर होना बंद कर देता है. क्योंकि आपको ये समझना ही है कि लोग कभी भी गलत नहीं होते, लोग सिर्फ अलग होते हैं, और हम सबको दूसरे लोगों को बस अच्छे से समझना है और याद रखना है कि सबसे पहले अपने आप को महत्व देना है. क्योंकि जो इंसान स्वयं से प्यार करता है वो कभी भी छोटी मोटी इन सब आर्ग्यूमेंट्स में, दूसरे को हर्ट करने में, दूसरे से नफरत करने में, या किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की जलन में, इन सब में विश्वास करना बंद कर वो अपने आप में इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ, स्वयं के प्रति प्यार और सम्मान से इतना भरा हुआ होता है कि उसको पता है कि इतना टाइम मैं वेस्ट करूंगा दूसरे इंसान को हर्ट करने में, उसी टाइम को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने आप को एम्पावर करने में. क्योंकि जब आप किसी को हर्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े लॉन्ग टर्म तक रहते हैं. आप देखो ना, किसी पे गुस्सा कर चिड़चिड़ा कर हटो अभी, आप घंटों बर्बाद हो जाते हैं और कई बार तो कुछ दिन बर्बाद हो जाते हैं. तो जो भी वाइज लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट दूसरों को हर्ट करने में बिल्कुल भी नहीं करते हैं. वो हमेशा अपना टाइम इन्वेस्ट या तो रिश्तों को सुधारने में करते हैं या फिर अपने आप को समझाने में करते हैं, अपनी लाइफ को किसी और तरीके से बेटर बनाने में करते हैं. तो अब आपका फैसला है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं. आप ना समझें इतने कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसी के हर्ट का जवाब दूसरे को हर्ट कर, या आप इतने समझदार हैं कि आप दूसरे के हर्ट करने के बाद भी अपनी समझदारी से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, बेटर बना देते हैं और अपना टाइम अपने आप को एम्पावर करने में लगाते हैं. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कौन से व्यक्ति हैं, ना समझ या फिर समझदार. और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा.